हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास आज एक ये रेडमी नोट 11 आया है जिसके अंदर कोई डिस्प्ले शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों चलिए आज मैं इसको डिसेंबल करने का और इसे रिपेयर करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे ओपन करने के लिए हमें इस बैक पैनल को रिमूव करना होगा। इसके लिए हमें इसको अपनी सेपरेटर मशीन पे हीट होने के लिए रखना होगा ताकि इसका बैक पैनल आराम से निकल जाए। और कुछ देर वेट करना होगा, तो चलिए वेट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ देर वेट करने के बाद हम इसे डिसेंबल करेंगे। इसे डिसेंबल करने के लिए हमें हार्ड पेपर की ज़रूरत होगी और ओपनर की ज़रूरत होगी। चलिए दोस्तों, हार्ड पेपर की सहायता से इसके आराम से हम बैक पैनल को रिमूव करेंगे। ध्यान रहे, देखिए दोस्तों इसको हम आराम से इसके नीचे इसका ग्लू निकालने के लिए लगाएंगे और आराम से इस बैक पैनल को रिमूव करेंगे। देखिए इजीली निकल रहा है। यहाँ पर आवश्यक ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट का पत्ता भी होता है, इसलिए बहुत ही केयरफुली निकालना होगा बैक पैनल, वरना इसका पत्ता कट सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने इसका बैक पैनल रिमूव कर दिया है। अब हम 4 पिन के स्क्रू ड्राइवर से इसके सारे स्क्रू खोल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके सारे स्क्रू खुल चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इस कैमरा लेंस के स्क्रू बाहर निकाल कर और कैमरा लेंस बाहर निकालना होगा। तो इसके नीचे का जो स्क्रू है फिर वो हम खोल सकते हैं। अब इसके सारे स्क्रू खुल चुके हैं फ्रेंड्स। अब इसकी बीच की रिंग को हम अपने नेल्स की सहायता से खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसे नेल्स की सहायता से कितनी आसानी से खोल दिया है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता है वो हमें खींचना नहीं चाहिए। आसानी से हम उसके कनेक्टर को हटा देंगे। देखिए हट चुका है। अब दोस्तों हम इसके बैटरी कनेक्टर को हटा देंगे।
और दोस्तों इसका जो फोल्डर का पत्ता है ये नीचे की ओर सब पीसीबी में लगता है, इसको निकाल देंगे। अब दोस्तों जो हम फोल्डर लेकर आए हैं मार्केट से, इसको एक बार हम चेक करेंगे। इसका हमने कनेक्टर अटैच कर दिया है। अब हम इसका ऑन ऑफ स्विच प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है, आपके सामने इसमें MI लिखा हुआ आ चुका है। अब इसे थोड़ा चालू होने का वेट करते हैं। दोस्तों इसे एक बार चला कर देख लेते हैं प्रॉपर चल रहा है या नहीं। दोस्तों देखिए प्रॉपर चालू हो चुका है और इसकी टच भी प्रॉपर वर्क कर रही है। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे ऑफ कर देते हैं, इसका बैटरी कनेक्टर का पत्ता निकाल कर। इसका फोल्डर भी हम आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों अब इसका पुराना वाला फोल्डर बाहर निकाल लेंगे। फोल्डर निकालने के लिए हम ग्लू रिमूवर लिक्विड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये फोल्डर हम बाहर निकाल चुके हैं। दोस्तों इसके जो नीचे की रिंगर डब्बी है इसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तभी इसका जो कनेक्टर है वो बाहर निकल पाएगा। अब इसके पत्ते को भी हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसका फोल्डर बाहर निकल चुका है। अब दोस्तों हम इसकी क्रोम को क्लीन कर लेंगे। स्मूथली हम इसके कनेक्टर को अंदर डालकर और इस फोल्डर को बिठा देंगे। देखिए कितनी आसानी से ये फोल्डर बैठ चुका है। अब हम इस चार्जिंग पत्ते को लगाकर
दोस्तों देखिए हमने इसमें के कनेक्टर सारे लगा दिए हैं। दोस्तों ये हमारा जो रिंगर डब्बी है इसको भी लगा देंगे। और इसके रिंग को लगा देंगे। इसके लिए आपको हमें बहुत हल्के हाथों से करना होगा क्योंकि फोल्डर बहुत ही नाजुक होता है। इसका लेंथ हल्का से भी ज़्यादा प्रेस होने पर टूट सकता है। हम इसका पत्ता लगा दिया है फिंगरप्रिंट का। अब इसे एक बार ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये ऑन है और प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। अब दोस्तों इसमें पेच लगाने से पहले हमें इसमें कुछ रबड़ बैंड लगानी होगी ताकि फोल्डर अपनी जगह पर आराम से बैठ जाए। फिर हम इसके स्क्रू को टाइट करेंगे। फ्रेंड्स इसका जो कैमरा लेंस है पहले उसे लगा देंगे क्योंकि जो स्क्रू ये मैंने पहले टाइट कर दिए थे उन्हें मैंने खोले हैं और अब इस कैमरा लेंस के नीचे कैमरा लेंस के ऊपर ही स्क्रू को लगाऊंगा। दोस्तों इसमें परमानेंट हम रबर बैंड लगा देंगे ताकि इसका जो बैक पैनल है और इसका जो फोल्डर है वो अच्छी प्रकार से चिपक जाए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।